गाइज़, वेलकम टू माई चैनल लर्न विद किरू। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को जीरो बुकलेट के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले हम दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। जीरो बुकलेट के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर, ये हमारा SI के ऊपर होता है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो है ना हर साल एवरी ईयर क्या होता है, इक्वल रहता है। ओके, इसमें ना कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। और जो अमाउंट होती है वो हमारी होती है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इन्हीं तीन फॉर्मूलों के बेस पर हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं तो यूज़ होता है। यहाँ पे हमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन SI रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। दो अलग अलग सोर्सेज है, एक 1500 रुपये का प्रिंसिपल है हमारे पास 3 साल के लिए। ठीक है, तो देखो दो सोर्सेज का मतलब ये है कि भाई अलग अलग रेट्स पे दिए गए हैं। तो हमने मान लिया कि भाई 1500 हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, 3 साल के लिए हम इसको दे रहे थे। पहला हमने मान लिया कि हम उसको R% रेट पे दे रहे हैं। फिर इसी को ही 1500 को ही 3 साल पे हम दे रहे हैं दूसरे रेट पर। ठीक है, उसको हमने छोटे R से दिखा दिया। तो कहते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना वो 1350 आता, 13.50 आता। ओके, क्योंकि इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 सालों का अलग अलग सोर्सेज से 1500 पर 3 साल के लिए वो इतना है। तो डिफरेंस बताना है रेट्स में कि दो अलग अलग रेट्स थी। तो देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहाँ से क्या है, 1500 45 R, वहाँ से भी 45 छोटा R आएगा। ठीक है, और किसके बराबर है, 13.5 के। हम क्या कर सकते हैं, 45 45 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, R माइनस छोटा R इज इक्वल टू 13.5 है, तो 10 नीचे चला गया और 45 भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो हम जब इसको काटेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस R माइनस छोटे R, मतलब जो रेट ऑफ हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उनका डिफरेंस आ जाएगा 0.3%। इसने यही तो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस सम ऑफ RS 400 अमाउंट्स टू RS 480। अमाउंट्स मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं 400 रुपये हमने लगाए थे और वो 480 हो गए 4 सालों में। तो इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 80 रुपये का, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट होता है। ये कितने सालों है, 4 सालों का, तो 1 साल का कितना आएगा, 4 × 8 मतलब 20 रुपये। 20 रुपये 1 साल का है और प्रिंसिपल कितना था, 400, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, मल्टीपल में 100, 0 से 0, 4 × 5 = 20, मतलब रेट आ गई हमारी 5%। इसने बोला अगर रेट बढ़ा देते 2% से, मतलब न्यू रेट हमारी कितनी हो गई, 5% आई थी, तो 2 जोड़ देंगे तो 7%, ये हमारी नई रेट है। इसके ऊपर ही हम वही 400 रुपये देते तो कितना इंटरेस्ट मिलता, 1 साल का 28 रुपये, और 4 साल के लिए पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 32 3 × 4 = 8 और 3 × 11 112 रुपये इंटरेस्ट आता। अमाउंट पूछ रहा है कि लास्ट में अमाउंट कितनी मिलेगी, तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल 400 है, इंटरेस्ट हमारा 112 है, तो 400 प्लस 112 मतलब 512, ये हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट। इस सम ऑफ आर 1750 है, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। हमने मान लिया एक एक्स पार्ट है, एक 1750 माइनस एक्स है। पहले वाले को हमने 8% इंटरेस्ट पे दिया है, दूसरे वालों को 6% पे, और कहता है कि दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो हमारा इक्वल है। ओके, तो यही है, एक्स मल्टीप्लाई 8/100 इज इक्वल टू 1750 माइनस एक्स ब्रैकेट 6/100। 100 से 100 कैंसिल, 2 × 8 2 × 3 = 6 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो 4x हो गए, वहाँ से 1750 की हम 3 से करेंगे तो आएगा 5250, फिर 3 की x से करेंगे तो माइनस का 3x, 3x इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 7x किसके बराबर आ गया, 5250 के। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी 750। ठीक है, तो यही तो पूछा गया इसने। ठीक है, तो आगे इसने फिर बोला इंटरेस्ट बताना है ऑन ईच पार्ट। ओके,
तो देखो 750 आ गया हमारा एक्स की वैल्यू, और हमारे पास है ना इसने बोला है कि इंटरेस्ट अलग अलग पार्ट्स पे बताना है। तो जैसे 8% पे कितना हो जाएगा भाई, 750 है तो 8% की रेट से कितना लगेगा इस पे? 0 0 दो चौके 8, 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, मतलब 15 चौके 60 रुपये। क्योंकि इसने बोला था 1750 को ऐसे बांटा गया दो पार्ट्स में कि एक को 8% पे, एक को 6% पे दिया गया है, और दोनों से जो ऐसा ही मिला वो इक्वल है, तो इंटरेस्ट बताना ऑन ईच पार्ट इन रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो सेम ही है, तो एक का इंटरेस्ट हमने निकाल के देख लिया क्योंकि हमारे पास है ना एक्स आ गया था। एक्स मतलब जो प्रिंसिपल था, अलग अलग पार्ट में बांटा था ना, एक प्रिंसिपल एक्स और एक 1750 माइनस एक्स था, तो एक्स के ऊपर ही हमने लगा के देख लिया क्योंकि एक्स हमारे 750 आ गया था, तो इसके ऊपर हमने लगा के देखा तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 60 रुपीज़। फोर्थ दे रखा है हमें कि 5000 को डिवाइड किया गया ऐसे, तो 5000 रुपये हमने एक को एक्स मान लिया, एक को 5000 माइनस एक्स मान लिया, इसको 4% रेट पे दिया है, इसको 5% रेट पे दिया है, और कहता है कि इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है ना सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद, वो हमारा 440 है। ओके, तो एक्स मल्टीप्लाई 4/100 मल्टीप्लाई 2 प्लस वही 5000 माइनस एक्स 5/100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हमने इसको सोल्व किया तो क्या आया हमारा 8x/100 मल्टीप्लाई कर दिया उनका। ठीक है, फिर ये अंदर जाएगा 100 जो मतलब 4/5/100, तो दो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो 50 के 5 से मतलब, ठीक है, क्योंकि 5 5 25। ओके, यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई हमारा ये आया था कि हमने किया था एक्स मल्टीप्लाई 2 × 4/100, तो यहाँ से तो क्या आ गया 4 × 8 x/100। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमने किया था 5000 माइनस एक्स 2 सालों के लिए और 5% की रेट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के अंदर जाएगा, 2 0 से 2 0, 10 की 5 से करेंगे मतलब 500 माइनस एक्स अपोन में फिर 2 0, मतलब ये है ही हमारा, और 5 2 9 10, तो 0 0 मतलब एक्स अपोन में 10। ठीक है, और उधर कितना था, ये हमारा पहले ही था 8x/100, ये हमारा सारा का सारा जो इंटरेस्ट आया ये आया हमारा 440 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3000। इसने पूछा क्या है, हमें बताना है सम ऑफ मनी जो डिवाइड किया गया तो उसका रेशियो रेट। ठीक है, तो देखो भाई 3000 पहले एक आ गया, और 3000 को 5000 में तो मतलब 2000 आ गया, प्रिंसिपल 3 मतलब 3 0 से 3 0 कट के 3 2 हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो तो इसने बोला 500 को इन्वेस्ट किया जाता है एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर टोटल इंटरेस्ट है दोनों पर 4 साल बाद इतना, मतलब भाई 500 रुपये को भाई एक 12% पर दिया गया, 500 रुपये को 12% इंटरेस्ट पर दिया गया 4 सालों के लिए, और एक और अमाउंट है वो हमने मान लिया एक्स है, उसको दिया गया 10% पर 4 सालों के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 480। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 2 12 5 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4 और कट रहा है क्या, नहीं और तो नहीं कट रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12 5 7 मल्टीप्लाई में 4 प्लस ये 0 से 0, तो ये आ गया 4x/10 इज इक्वल टू 480। ये कितना 6 6 24 मतलब 240 इसमें से जाएगा, तो कितना बचेगा 240 ही बचेगा, क्योंकि जो भी दुनिया 48 होते हैं, तो 4x/10 इज इक्वल टू 240, 0 इधर चला जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 600। सिक्स्थ में बोला है ए लैंड करता है 2500 बी को, ठीक है, एंड ए सर्टेन सम टू सी, मतलब ए है ना दो लोगों को उधार दे रहा है, एक तो बी को दे रहा है एक सी को, बी को तो दे रहा है 2500 और सी को बोल रहा है कुछ और अमाउंट, मतलब सर्टेन अमाउंट मतलब एक्स दे रहा है, ठीक है, सेम टाइम के लिए और 7% रेट पर, तो कहता है कि 4 साल बाद उसे 1120 इंटरेस्ट मिलता है बी से और सी से मतलब दोनों से। तो देखो बी को दिए थे 2500, ठीक है, 4 सालों के लिए 7% रेट पर, सी को दिए थे एक्स वही 4 सालों के लिए 7% पर, तो इंटरेस्ट बता रहा था 1120, तो कट रहा है यहाँ से 2 0 0, 25 चौका 100 और 7 मतलब 700। ठीक है, ओके, प्लस ये कितना आएगा भाई, ये एक्स दे रहा था 7 चौक 28/100 मतलब 28x/100 इज इक्वल टू 1120, 700 जाएगा किस में से भाई, 1120 में से हम घटा देते हैं 700 को, तो 7 420
ठीक है, कितना बचा 420, तो हमारा क्या आ गया 28x अपोन में 100 इज इक्वल टू 420। देखो ये दोनों जीरो यहाँ से हटके यहाँ चली जाएंगी और 28 नीचे आ जाएगा, 14 दोनों 28, 14 ते 42 3, और फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1500। ओके, 7 का दे रखा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41 अपॉन 40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल एन। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन अपॉन में टी, कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने गुना हुआ है, कितने सालों में हुआ है, वो बराबर होता है हमारा रेट ऑफ परसेंट के, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो यहाँ पे वही हो जाएगा भाई, वो ना 41/40 हो गया खुद का, तो एन माइनस वन अपॉन में कितने सालों में, 4/4 सालों में, ऊपर 4 चला गया मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 40 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 जाएगा, मतलब 1/40 मल्टीप्लाई में कितना हो गया यहाँ पे 400, ठीक है, तो 2 1 0 से 1 0 4 1 4 मतलब कितने आ गए रेट 10%, ठीक है। 8th का दे रखा है एक मैन है लॉस कर देता है 55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल, मतलब पहले एनुअल रेट थी 11.5 उससे वो 10 हो गई, तो उसे ना नुकसान हो गया 55.50 का, मतलब 55.50 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम सेपरेट करके बोलते हैं, इकट्ठा नहीं बोल सकते संख्या को। तो देखो पी मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मान लिया, टाइम मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसने टाइम दिया है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स गणना, हाँ तो बस मतलब टाइम भी 1 ईयर ही मान सकते हो। ओके, फिर कितने पे, पहले थी 11.5 पे, फिर कहता है कि लेकिन बाद में ना जो रेट थी वो हमारी 10 हो गई, जिसके कारण जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो हमारा नुकसान हो गया हमें इतने का, ठीक है। टाइम यहाँ पे 1 ईयर ही है क्योंकि एनुअल बोल रहा है, तो हमने कट भी किया टी से, ठीक, हमने हटा दिया इसको, ठीक है। अब क्या किया हमने, क्या किया प्रिंसिपल को कॉमन ले लिया, ओके, तो यहाँ से क्या आया भाई 11.5 अपॉन में 100 है, यहाँ पे 10 से 10 कट गया, तो देखो हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 11.5 अपॉन में 100, ठीक है, माइनस 1/10, और ये हमारा सारा इक्वल है 55.50 के, ठीक है। तो इसको सोल्व किया हमने, यहाँ से 100 एलसीएम आ जाएगा, 11.5 में से है, मतलब 100 नीचे 0 और आ जाएगी, पॉइंट को हटा देंगे तो 115, तो देखो 1 0 से 0 मतलब यहाँ पे आ गया इतना, तो जब 115 में से 100 जाएगा तो 15 अपॉन में 1000, ठीक है, ये आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो प्रिंसिपल है ना इसको पूरे को सोल्व करेंगे, इसको खोलेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3700, ठीक है, तो प्रिंसिपल इसने पूछा था। 9th का क्वेश्चन है हमारा, ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक, कि एक आदमी है बैंक से एक लोन लेता है 12% रेट पर, प्रिंसिपल लगा लो 12, उसने पी रुपये उधार लिए 12% रेट पर, ठीक है, 3 साल बाद वो 5400 रुपये के पे कर रहा है इंटरेस्ट के, ठीक है, इंटरेस्ट के, तो बताना है प्रिंसिपल, तो देखो कटता तो नहीं है तो सीधा इधर भेज देते 5400 और 20 ये ऊपर चले गए और ये नीचे हमारे जो बाटती है 36, तो कट रहा है, हम इसको काट देते हैं, ये कंप्लीट कट रहा है हमारा 5400 36%, ठीक है, तो मतलब 6×6=56, ठीक है, 00, ओके, फिर इसको काटोती आ गया हमारा 15000, क्योंकि 6×6 फिर 6×5=30 आके, ओके, फिर बची हुई 0 लगा देंगे। 10th में दे रखा है इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1012 इन ढाई ईयर्स टू आरस 1067 इन 4 ईयर्स, कहता है कि एक प्रिंसिपल था पी, ठीक है, वो ना 1012 हो जाता है 2.5 सालों में और 1067.20 हो जाता है 4 ईयर्स में, क्या अमाउंट, तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमें पता है प्रिंसिपल प्लस एस आई हमारा किसके बराबर होता है अमाउंट के, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल है और कितने 2.5 सालों में, मतलब एस आई है हमारे पास 2.5 सालों का, ठीक है, ये हमारा बराबर दे रखा है 1012 के। दूसरा है प्रिंसिपल प्लस एस आई है हमारे पास 4 सालों का, ये दे रखा है 1067.20, ठीक है, तो प्रिंसिपल दोनों में कॉमन है, तो हम इसको घटा के क्या कर सकते हैं, हम एस आई निकाल सकते हैं डेढ़ का, 4 में से भाई 2.5 जाएगा तो 1.5 साल का ही आएगा, कितना आएगा भाई 1067.20 में से 1012 घटाएंगे, ठीक है, तो 1067.20 में से 1012 घटाएंगे तो 20 का तो 20, ठीक है, 12 घटा रहे हैं 1012 तो 5, ठीक है,
तो ये आ गया 55.20। तो ये कितने का है, 1.5 साल का ऐसा आया है, हमें चाहिए कितने का, 1 साल का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो भाई 1.5 साल का SI आ गया हमारा 55.20। ओके, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI के, तो अमाउंट में प्रिंसिपल तो दोनों का इन्वॉल्व था, उसको घटाया तो प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, बचा क्या था, इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए, 1 ईयर का SI चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 55.20 अपॉन में 1.5 नीचे गया तो इसका पॉइंट हट के 0, और इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो 00। अब इसको सोल्व कर देते तो इसको काटा तो ये आ गया हमारा 36.8 पॉइंट है। ओके, फिर इसने आगे बोला हमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है, तो ये आ गया हमारे 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट आया, हमें तो 4 सालों का इंटरेस्ट देखना है। 4 सालों का इंटरेस्ट कितना होगा, 36.80 मल्टीप्लाई में 4 लेंगे तो ये आ गया 147.2। क्यों क्यों लिया हमने 4 साल का, क्योंकि हमें 4 साल की अमाउंट दे रखी है ये वाली, तो 4 साल की अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा ना, प्रिंसिपल आ गया हमारा 920, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, 1 साल का इंटरेस्ट था हमारे पास, वहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी भाई, 36.80 हमारा तो इंटरेस्ट था, 920 प्रिंसिपल था मल्टीप्लाई में 100, तो इसको सोल्व किया तो 4% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10 के बाद दे रखा है 11th, क्या दे रखा है कि मोहन है ना लैंड करता है सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% SI एंड अन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% SI फॉर 2 ईयर। टोटल नहीं, देखो उसने है ना मान लिया पी रुपए थे वो उसने दिए थे 9% की रेट पर 2 सालों के लिए, फिर उसने पी रुपए को 10% की रेट पर दे दिया 2 सालों के लिए, और टोटल इंटरेस्ट मिल गया 760। ठीक है, तो देखो भाई 9 × 18 पी अपॉन में 100 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया था 20 पी अपॉन में 100 इजिक्वल टू 760। LCM लेंगे तो 100 तो आएगा ही, तो वो तो उसके साथ चला गया, मतलब वो तो 76,000 हो गया, और पी 18 पी और 20 पी को जोड़ेंगे तो 38 पी हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया 76,000 के, तो पी की वाली 38 × 76 ही तो होता है 2,000 आ गया, प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा 2,000। SI ओनली सर्टेन सम एट ए सर्टेन सिम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट ना वो हमारा कितना है 16/25 सम का, मतलब प्रिंसिपल जहाँ पे 25 है ना तो वहाँ पे SI हमारा 16 है। ठीक है, फिर इसने बोला है इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन द ईयर बी इक्वल, मतलब जो रेट है और जो टाइम है वो इक्वल हो, मतलब कैसे कि हमने मान लिया टाइम अगर हमारा एक्स ईयर है तो रेट हमारी एक्स परसेंट होगी। ओके, तो अब हम निकाल सकते हैं कि भाई SI हमारा 16 है, और फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो क्या हो गया 25 × 100, 16 × 64 और इजिकल टू में क्या हो जाएगा एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। तो यही तो पूछा है इसने कि 12 में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी 8%। ओके, आगे इसने दिया इफ द एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीज, मतलब पहले 10% की रेट से SI आ रहा था, अब 12.5% हो गया तो इनकम भी बढ़ गई, प्रिंसिपल भी सेम है। ठीक है, तो देखो भाई लगा लो जो मतलब प्रिंसिपल है टाइम सेम ही है 1 ईयर, तो 12.5 मतलब 1/8। ठीक है, ये इसमें से जब हम ना प्रिंसिपल को 10% की रेट से मतलब 10/100 करते 1/10, इनका जो डिफरेंस है ना 1250 है, मतलब 12.5% रेट होने के बाद उससे ना 1250 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 10% पहले रेट थी तो उसको घटा दिया, तो क्या आ गया P/8 - P/10 इज इक्वल टू 1250। तो यहाँ से LCM लिया हमने तो 84.40, मतलब 5P - 4P इज इक्वल टू 1250, पी की वैल्यू कितनी आई 1250 × 40। ठीक है, तो ये कर देते हैं मल्टीप्लाई 0, 0, 5, 24 असील 2, 4, 8, 9, 10। ठीक है, असील 4, 5, 50,000। ओके, 14th में क्या दे रखा है,
इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एन एक्सेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 8 मंथ एट 7.5%, मतलब ये बोल रखा है कि जब हम प्रिंसिपल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ना कि वो एक्सीड्स कर देता है सिंपल इंटरेस्ट सम पर 8 मंथ्स के लिए जब 12.5% की रेट से लगाया जाता है, कितने से, 32.50 से। तो देखो हमने ले लिया भाई पहले था कितना, 15 महीने, 15 महीने तो अपॉन में 12 मल्टीपल रेट कितनी है, 7 × 2 = 14, 15/2 मतलब परसेंटेज का 100, ये किसके डिफरेंस के इक्वल होगा, तो डिफरेंस है प्रिंसिपल सेम है, उसी को 8 महीने के लिए दिया जाता है 12.5 मतलब 1/8 के लिए, तो जो इनका रिटर्न होता है ना उसमें डिफरेंस आता है 32.50 रुपये का। सोल्व कर लेते हैं इसको हम, तो देखो क्या होगा, 15/12 हो गया था और 15/200 ये रेट हो गई, तो काट देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 0 और 3 × 4 = 12, फिर वही 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो यहाँ से हमारा क्या आया, ये आया हमारा 3/P/8 = 24, ठीक है ना, 8 × 8 = 32, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा है ना, और इसमें से हम घटा रहे हैं कौन सा, ये 8 से 8 कैंसिल, मतलब P/12 और ये इक्वल है हमारा 32.50 के, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, तो ये आ गया हमारा a9p - 8p - 8p/48, ठीक है, क्योंकि डबल कर दिया था ना तो ये 65 हो गया था, मतलब खोल दिया जैसे भाई पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, इसको सोल्व कर दिया था तो 65 आ गया था, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई सोल्व करने के बाद 3120। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, एक आदमी है वो ना 16,000 रुपये उधार पे देता है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में बांटता है, 16,000 है, एक को x मान लिया, एक को 16,000 - x मान लिया, एक को 4% रेट पे दे रहा है, दूसरे को 5% पे दे रहा है, और उसे टोटल है ना 700 रुपये मिल रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई 4/100 प्लस 16,000 - x 5%, और ये 70,000 के पर, मतलब 700 के बराबर है, ये दोनों जीरो हटा देंगे तो 70,000 आ जाएगा, तो यहाँ से तो आया 4x, फिर आया मल्टीप्लाई 16×5 = 80, ठीक है, फिर आया 5x और इक्वल में आ गया 70,000, ठीक है, तो 5x जाएगा तो मतलब x आया x और 70,000 इसमें से 80 में जाएगा तो 10,000, तो x की वैल्यू आ गई 10,000। 16 का है ए सम ऑफ RS 1500, ये उधार दिया जाता है दो पार्ट में, 1500 को वही x मान लिया एक पार्ट और एक मान लिया उन्हें 1500 - x, इस तरीके से दिया जाता है कि पहले पार्ट पर लगा 10% की रेट से 5 सालों के लिए, और वो जो इंटरेस्ट मिला है वो बराबर होगा दूसरे पार्ट को जब हम दे रहे हैं 12.5% 1/8 और कितने 4 सालों के, मतलब इनका जो इंटरेस्ट है और इसका जो इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1500 - x, एक्स इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 1500, तो x की वैल्यू कितनी है 750, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, क्या दे रखा है, RS 64 अमाउंट्स टू RS 83.20 इन, तो देखो अमाउंट है यहाँ पे 83.20, इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कितना है 19.20, लेकिन ये कितने सालों का, 2 सालों का, हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 × 18 और 2 × 6 = 12, ओके तो 9.6 आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। अब 86 अमाउंट्स टू इन 4 ईयर एट द सेम रेट, देखो तो इसने बोला कि भाई 86 है ना 86, अब हमें रेट भी तो चाहिए, पहले तो रेट ही निकाल लेते, तो देखो हमें इंटरेस्ट मिल गया था 1 साल का 9.6 और प्रिंसिपल था हमारा 64 × 100, तो यहाँ से रेट आ गए हमारे 15%। अब बोला अगर उस रेट पर जो 86 को दिया जाता है 4 सालों के लिए तो इंटरेस्ट बताना है, तो 86 रुपये देने हैं 4 सालों के लिए देने हैं, रेट है 15%, तो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 51.6 और अमाउंट पूछी इसने, अमाउंट क्या होगी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मतलब 137.6। फिर आता है 18 का, एक पर्सन इन्वेस्ट करता है सम मनी इन 3 different schemes फॉर 6 ईयर 10 ईयर एंड 12 ईयर, मतलब 3 स्कीम है उनमें अलग अलग टाइम पे और अलग अलग रेट 10, 12, 15 पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है सेम होता है, हमने मान लिया पहली स्कीम ठीक है 6 सालों के लिए 10% रेट पर,
उस वो इक्वल होगी दूसरी स्कीम 10 सालों के लिए 12% पर, तीसरी स्कीम 12 सालों के लिए 15% पर। देखो ये इक्वल में है तो 0 0 3, तो ये तो कट ही गई, और भी कट रहा है हमारा, ये जैसे 6 6 6 2 12 6 2 12, मतलब इसको सोल्व किया तो हमारा ये आया 1 1 2 2 3। अब हमें तो इनका रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकालने के लिए सिचुएशन क्या होता है कि हम इसको एक के एक बिट मान लेते हैं एक इक्वेशन के, तो ये पहले वाले की वैल्यू आ जाती है 1 k/1, दूसरे वाले की k/2, तीसरे वाले की k/3 आ गई। ओके आ गई, हमें तो इनका रेशियो चाहिए, तो क्या करते हैं नीचे वाले कैल्शियम ले, तो 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास रेशियो आ जाए 6 हो गया, 2 3 6 3 2 6 6 3 2 19 में क्या दे रखा है 1% है ना, डबल कर देते हैं परसेंट डिपॉजिट, सॉरी 1% डिपॉजिटेड आर 800 फॉर 2 ईयर्स की, 1% 400 रुपये को इन्वेस्ट करता है 2 सालों के लिए, 400 को 2 सालों के लिए 8% पर, 550 को 4 सालों के लिए 8% पर, ठीक है, और 1200 को 6 सालों के लिए 8% पर, तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है 1020 रुपये। तो बस तीनों में 8% कॉमन था, तो आर अपॉन में 100 हमने ले लिया बाहर, आर अपॉन में 100, अंदर क्या बच गया भाई 800 + 2200 + 7200, और ये क्योंकि जो डबल जीरो थी इसको हटा के अगर हम ऊपर भेज दें तो क्या आ जाएगा 1020 00। अब ने इसको सोल्व किया तो आर इज इक्वल टू कितना आया 1020 00 अपॉन में 102 00, ये काट दिया तो ये आ गया हमारे 10%, ठीक है 10 बची हुई ना। 90th के बाद आता है 20th का, क्या है 20th का, एस आई ओन ए सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 16 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल अगर 16 है ना तो एस आई 1 है, और रेट और जो टाइम है सेम है, हमने मान लिया एक्स परसेंट रेट है और टाइम एक्स ईयर है, तो वही है भाई एस आई 1 था, ये इक्वल हो गया इसके प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, और ये किसके एक्स स्क्वायर के, तो रेट आ गई हमारी 10 अपॉन में 4, ठीक है, तो इसको सिंपल करेंगे तो 2 5 10 2 2 4 मतलब 2.5%, ठीक है। 21 में क्या दे रखा है, ए बोरोज आर 800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, की ए ना वो 800 रुपये लेके आता है 12% की रेट से, बी है वो लेके आता है 910 10% की रेट से, ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरो 910 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेब्ट बी इक्वल, कि किस ईयर में इन दोनों के जो अमाउंट ऑफ डेब्ट है ना वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ ए है उसे हम इक्वल करना है बी के, तो हमारी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा एस आई प्लस प्रिंसिपल, तो देखो पहले ए का निकालते थे, ए का प्रिंसिपल 800 है उस पे एस आई लगा रहे 800 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100 टाइम मान लिया टी ईयर्स में इज इक्वल टू ऐसे ही उसका 910 प्रिंसिपल है और 910 पे ही लगा रहे हैं हम 10% की रेट से टी ईयर्स के लिए, तो इसको सोल्व किया हमने, देखो कट रहा है वहाँ से इसको काट देना है 800 800 वैसे कॉमन लेके फिर इसको सोल्व किया ना, तो ये हमारा नॉर्मली जब हम इसको पूरे को सोल्व कर लेना तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमारी ना 22 साल आ जाएगी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 का 1% है लैंड 40% सम ऑफ मनी एट 15% पर, मतलब एक आदमी लगा लो उसके पास 100x रुपये थे, ठीक है, उसने 40x रुपये को तो दे दिया 15% की रेट पर, ठीक है, और 40% के बाद 15% पे 50% ऑफ द रेस्ट बचा हुआ कितना है 60 60 का 50% मतलब 30x उसको उसने दे दिया 10% की रेट से, मतलब 10 अपॉन में 100 मान लिया, ओके 10% पर है एंड द रेस्ट रेस्ट कितना बच गया 40 30 70 70 30 ही बच गया, और बचे हुए को उसने दे दिया 18% रेट पे, ठीक है, तो और क्या बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, अगर सारे सम पे कैलकुलेट करते तो रेट क्या होती है एनुअल रेट वो बतानी है हमें, ठीक है ना, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो भी निकाल लेते हैं यहाँ से इंटरेस्ट कितना है, काट दिया 2 3 4 2 5 5 3 6x, यहाँ से सोल्व किया तो आया 3x, यहाँ से किया तो आएगा 5.4x,
तो सारे इंटरेस्ट को हमने जोड़ा, टोटल एस आई हमारा क्या हो जाएगा भाई, 6x आया, 3x आया और 5.4x आया, तो ये हो गया हमारा 14.4x। हम देख लेते हैं एनुअल रेट क्या होते हैं, 14.4x ओवरऑल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 100x है, मल्टीप्लाई में 100, ये भी तो एक्स में एक्स से एक्स, 100 से 100, मतलब 14.4% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। फिर 23 का एक पार्ट ऑफ आर एस 1500 इज लेंट एट 10% पर है ना, मैं इंटरेस्ट एट 7%, मतलब मान लिया 1500 है एक्स, मान लिया ये 1500 माइनस एक्स मान लिया, इसको 10% पे दिया और इसको 7% पे, ये तीन वही ईयर तो सेम ही है, तो कहता कि दोनों का जो इंटरेस्ट है ना वो हमारा 396 के इक्वल आएगा, तो वही है सेम ऐसा क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1500 माइनस एक्स 7 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3, ये किसके बराबर हो जाएगा 396 के। तो यहाँ से हम इसको प्रूव करें ना सोल्व, तो हमारा एक्स के आ जाएगी 900। 24 का हमें क्या दे रखा है, एक आदमी है वो लैंड करता है 60,000 पार्टली पास, वही है 60,000 रुपये को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है एक्स और 60,000 माइनस एक्स में, तो एक को तो वो 5% रेट पर दे रहा है, एक को 4% पे, और दोनों का जो इंटरेस्ट कसम है ना वो हमारा 25-60 के बराबर है। ओके तो यहाँ से भी सोल्व करोगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16,000। ओके वही सेम पीछे किया वही क्वेश्चन है। फिर कहता है कि मनी लैंड ऑन 4% कितनी थी, 4% पे कितनी थी, तो 16,000 को 60,000 में से घटाएं कितना आएगा, 44,000 आंसर। फिर आता है 25 का, क्या कहता है कि सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ पर है ना वो सिंपल है, डबल डबल हो जाती है खुद का कितने सालों में, 5 सालों में, ठीक है, और है ना ये 3 गुना हो जाती है खुद का 12 सालों में। ये जो रेट है अलग है इस रेट से, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, एक रेट आ रहा है एक छोटा आ रहा है। ओके तो यहाँ से रेट कितनी आएगी भाई, 3/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम, तो यहाँ से तो आ गई 60%। दूसरी रेट 2/12 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 2 6 12 16, तो 100/6 मतलब 16 2/3%, ठीक है। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। 26 में क्या दे रखा है, आउट ऑफ आर एस 50,000 दैट ए मैन हैज आर एस 8,000 एट 5.5% एनुअल एनम पर 5.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड 24,000 पर 6% की रेट से है, और रिमेनिंग को वो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है ताकि टोटल एनुअल इंटरेस्ट ना वो 36,800 आ जाए। देखो 50,000 रुपये हैं उसमें, वो 8,000 दे रहे हैं, 24,000 दे रहे, और बचा हो कितना जगह 8 8 4 32, मतलब बटाएंगे 50,000 में तो 18,000 आ गया, 18 के लिख दिया मैंने, इसको दे रहा है वो 5.5% की रेट से, मतलब 5 2 10 11/2% की 2/100 कर दिया। ओके इसको दे रहा है वो 6% की रेट से, और ये नहीं पता मतलब इसको दे रहा है एक्स परसेंट की रेट से, और पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है उसे ओवरऑल 3680। लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या बन जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 11/200 प्लस 24,000 पे वही 6% की रेट से लगाएं, तो 0,0 मतलब 240 मल्टीप्लाई 6 प्लस एक्स परसेंट की रेट से भी, तो 0,0 करते मतलब 180 मल्टीप्लाई एक्स, ये हमारा हो गया 3680 के इक्वल। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे ना तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10%। 27 में क्या दे रखा है, एस आई ओ ने सम ऑफ मनीज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर 4 है ना तो एस आई वहाँ पे क्या है 1 है, फिर वही है इसमें ईयर और रेट इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो देखो हमने मान लिया एक्स परसेंट ही रेट है, टाइम भी एक्स ही है, तो देखो एस आई हमारा 1 है, और ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम, तो 4 25 करेंगे, 4 से काटेंगे 100 को 25 25 इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया 25 के, तो एक्स कितना आ गया 5, ठीक है। 28 का क्या दे रखा है, एक सम ऑफ ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन एस आई एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर, कि हमने मान लिया प्री थो उसको मतलब प्रिंसिपल पी था उसको 2 सालों के लिए 8% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक दूसरा है उसको 3% हायर रेट से, मतलब प्रिंसिपल उतना ही था, टाइम भी उतना ही था, पर रेट थी ना वो बढ़ गई 3/100, तो कहते हैं इनका जो डिफरेंस है ना वो हमारा 72 है, तो देखो ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2p
और आर प्लस थ्री में से हम छोटे आर को घटा सकते हैं क्योंकि हंड्रेड भी कॉमन ले लिया हमने, बेस सेम था। ये किसके बराबर है, बिहत्तर के, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिक्स पी इक्वल टू में 7200, पी की वैल्यू आ जाएगी 6×6×12 मतलब 1200। 29 में क्या दे रखा है, एक लैंड करता है 5000 बी को और 3000 सी को, मतलब ए दो लोगों को उधार दे रहा है, बी को 5000, सी को 3000, और ए बी को दे रहा है 2 सालों के लिए और सी को दे रहा है 4 सालों के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर उसे 2200 मिलते हैं टोटल, ओके। तो देखो, बी को दिए थे 5000 2 सालों के लिए आर परसेंट रेट पर, सी को दिए थे 3000 4 सालों के लिए आर परसेंट की रेट पर, बाद में उसे टोटल इंटरेस्ट मिल गया 2200, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं भाई, 20 इधर 20 इधर, ये काट दिया, ठीक है। बन रहा है क्या है, 5×2×10 मतलब 100p, यही बन रहा है ना, 100×5×2×10, हाँ 100r आ गया। यहाँ से 4×3×12 मतलब 120r, ये 2200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 220, तो ये r आ गया हमारा 10%, क्योंकि 2200 में 220 नीचे जाएगा कट जाएगा तो 10 ही तो बचेगा। 30 क्या, 30 का दे रखा है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम वुमन डबल इट्स, डबल इट्स मतलब खुद का कितने रनों में डबल हो जाएगा, किसकी रेट से, सिंपल यहाँ पे रेट हमें दिया 6×6=25/400, ठीक है। तो इसकी इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से कितना आया, 1/t इज इक्वल टू में 25/400, तो टी ऊपर चला मतलब 25t इज इक्वल टू कितना है 400, तो टी की वैल्यू निकालनी है, पौन में 25 काटे हैं ना, तो यहाँ से 16 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बात आते हैं 31 की, क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है एस आई ओन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ इयर्स, ये बिल्कुल सेम है, अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 31 का क्वेश्चन है ना उसमें जो हमारे रेट है वो हमारी आएगी, जैसे वाई हमारा आ जाएगा 10/3%, सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके, वही एक्स मान लेना रेट को भी और टाइम को भी एक्स। 32 में क्या दे रखा है हमें, कि एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए, अगर उसको 1% हायर रेट पर देते, ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हम करके आए हैं कि वहाँ पे हमने 5% रेट ज़्यादा दी थी, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं चलो, कि भाई प्रिंसिपल था 2 सालों के लिए आर परसेंट, अगर इसको हम है ना 5% रेट ज़्यादा हो, मतलब जो रेट है वो हमारे 1% से बढ़ जाए रेट, तो कहता है 24 ज़्यादा मिलेगा, तो मतलब इनका डिफरेंस उसने 24 दिया है, ठीक है। 2p तो दोनों में ही है, 2p हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया r प्लस 1 माइनस r, और जो 100 था उसको ऊपर भेज दे मतलब 2400 हो गया, तो यहाँ से कितना r से r कट गया, तो हमारा आ गया p इज इक्वल टू 1200। 33 में क्या दे रखा है, 800 है ना 800, वो 956 हो गया 3 सालों में, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया भाई, 800 956 मतलब 156 मिला, कितने में, 3 सालों में, तो 1 साल का कितना आया, 3×5=15, 3×2=52 आया है, और किस पे आया है, 800 पे आया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, 0.0, तो 852/8 मतलब 6.5, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अगर बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 4 से बढ़ा दिया जाए, मतलब रेट हो जाएगी अब हमारी 6.4×10.5%, कितने, तो कहता है कि 800 कितना हो जाएगा 3 सालों में, तो 800 3 सालों में 10.5% मतलब 1000 लगा लो नीचे, क्योंकि 2 तो परसेंटेज के और 1 पॉइंट हटाया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 20 से 20 कैंसिल, 5×2×10=5×5×2×10=2×8, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया 252। अमाउंट पूछा है तो 800 में 252 जोड़ेंगे तो अमाउंट आ गया 1052। 34 का क्या दे रखा है, ओन सर्टेन सम एस आई एट द रेट ऑफ सर्जन बिकम 3/8 ऑफ द सम, तो ये भी देखो हमें क्या दे रखा है, टाइम है 6×6=25/4, ठीक है। तो कहता है कि और प्रिंसिपल है ना वो 8 हो जाता है सम का, कि जैसे यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 8x है, तो जो हमारा एस आई है ना वो 3 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई 3x=8x प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट हमें पता नहीं और टाइम हमारा 25/4, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 6%। 35 का दे रखा है, जोन इन्वेस्ट करता है सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पे, ठीक है, और टाइम यहाँ पे दिया 4 सालों के लिए प्लस इंटरेस्ट अर्न बाय 7.5, मतलब इंटरेस्ट और जो इस
प्रिंसिपल है वो 750, मतलब इसमें अमाउंट भी है, तो ये हमारे अमाउंट इसने दे दिया 750 को, तो हम यही कर लेते हैं। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट 10% और टाइम है 4 साल, ये 750 के बराबर है। पी को कॉमन ले लिया, जीरो इससे इससे ये कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, मतलब 1 + 2/5, ये हमारा 750 के बराबर। ये जोड़ा तो आया 7/5, मतलब प्रिंसिपल किसके बराबर, 7 नीचे जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 0, मतलब 550। तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 550। 35 के बाद आता है 36, क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट्स टू 2641.20 सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, क्या है वो हमारा ऐसा ही है, कितना आएगा 781.20, टाइम हमें पता नहीं, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट हमारा 781.20 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल है हमारा 1860 मल्टीप्लाई में रेट है ये 1860 है 12%, टाइम हमें पता नहीं, तो यहाँ से इक्वेट कर दो, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा टी 3.5 साल, ठीक है। 37 में दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द टोटल, देखो प्रिंसिपल पी था उस पर 1 सालों के लिए रेट हमारी थी 8%, वो कहता है कि इंटरेस्ट है ना वो हमारा इक्वल है उसी प्रिंसिपल पर, रेट लेकिन 5% और टाइम 2 साल है। तो देखो दोनों साइड एंड एंड कट गया, तो हमारा आ गया पी, पी से पी भी कैंसिल हो गया, आर हमारा आ गया 10%, ठीक है 5 × 2 = 10, 10%, ओके। नेक्स्ट है हमारा 38 का, 12,000 को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, तो दो वही है 12,000 है, तो एक एक्स आ गया, तो एक आ जाएगा 12,000 - x इन टू पार्ट्स दे द सिंपल, ये पहले पार्ट पर 3 सालों के लिए 12% पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा सेकेंड पार्ट के पे 4 × 8 = 9/2 सालों के लिए 16% की रेट पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 3 × 12/100 इक्वल टू 12, ठीक है 12,000 - x अपोन में 9/2, ठीक है टाइम 4 × 8 = 9/2 था ना, मल्टीप्लाई में 16/100। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया ना, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, और जो इसने पूछा क्या लास्ट में किसके साथ रहे फर्स्ट पार्ट और द सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट आ जाएगा 4,000, तो हमारा आ जाएगा रेशियो 4:2, 4×8 मतलब 2:1, कि पहले पार्ट में जो इन्वेस्ट किया दूसरे पार्ट में जो इन्वेस्ट किया उसका रेशियो पूछा था इसने। 39 में दे दिया उन्होंने ना 20,000 लैंड के दो फ्रेंड्स को, 20,000 दो फ्रेंड्स को दिए, एक को तो दिए उसने 12,000, तो दूसरे को कितने दिए 8,000 दिए, तो रेशियो कितना आया इसका 4 × 12 = 4×8 = 3, 2। फिर कहता है कि वो ना पहले पे तो 8% रेट कमा रहा है, दूसरे का पता नहीं, और ओवरऑल वो ना 10% कमा रहा है, रेशियो भी हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल 3:2 है, तो हम यहाँ से बता दें इन दोनों कटवें 2 ही आए, तो इसका क्या होगा 13, क्योंकि एक बार ये बड़ा होता है एक से और एक से छोटा होता है, तो 13% हमारा आंसर आ जाए, 13 जुड़ गया ना 10 और 3 = 13। 40 में है एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 12,000 एट एज फिक्स डिपॉजिट एट ए बैंक एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट 12,000, ठीक है केम लगा लिया 8% की रेट पर 3 सालों के लिए, और कहता है कि बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स, वो क्या करता है वो विड्रॉ कर लेते, तो भाई मतलब ये कहता है कि उसने विड्रॉ कर लिया तो वो ये ले रहा है, लेकिन अगर वो 12,000 को पूरा 10% की रेट पर लगाता 5 सालों के लिए तो उसे ज़्यादा फायदा होता। तो कहता है कि लेकिन उसने बीच में विड्रॉ किया तो उसके रेट भी घट गए, टाइम उसने 3 साल में ही निकाल लिया, तो कहता है इससे उसे कितने का लॉस हो गया 3320 का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 12,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5 माइनस 12,000 मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 ये इक्वल है हमारा 3320 के। तो इसको हमें सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा आ रहा है 120/50 - 3 और इज इक्वल टू 3320, ओके 3320। तो जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया ना तो वहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 67/9, ठीक है या कह सकते हो 7 × 4/9%। फिर बात आती है 41 की, क्या दे रखा है, इफ़ ए मैन रिसीव ओन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3%, मतलब एक भाई एक आदमी है 1/4 कैपिटल पर 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे पर
मतलब 1/2 पर जो 5% और बची हुई पे 11% ओवरऑल पे बताना है। तो देखो हमने मान लेन कर एलसीएम लेते हैं ना, तो 12 था, मतलब 1200x है ना टोटल था। तो पहले उसने 1/3 कितना 1/4 मतलब 4 × 3 = 12 मतलब 300x, दूसरा 2/3 मतलब 800x, और तीसरा बचा 8 × 3 = 11 और 100x, ये 100x मान लिया। तो इसको उसने 3% रेट पे, इसको 5% पे, इसको 11% पे। तो कहता है कि ऐसा ही है ना वो क्या, देखो ऐसा ही हम निकाल लेंगे तो ये आएगा भाई परसेंटेज से दोनों जीरो कट गई, 6 × 3 = 9/100 ठीक है, प्लस 40/100 आ जाएगा क्योंकि 5/100 0 × 0 = 8 × 40 प्लस 11/100 ठीक है ये आया। तो एलसीएम लिया 100, तो ये हमारा आ गया 9x 40 और 11 मतलब 60x ठीक है, 60x आया। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, 1200 के अपॉन में 1200, 0 × 0 = 6 × 12 मतलब 20 एक मिनट ठीक है, 1/20 क्या आया 1/20, और परसेंटेज देख रहे मल्टीप्लाई में 100 b/100 5% हमारा आंसर आ जाएगा। 42 में क्या दे रखा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ठीक है, कहता है कि उसको लैंड किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 1380 हो जाते हैं 3 साल में और 1500 हो जाते हैं 5 साल में। ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस SI for 3 years है वो 1380 है, प्रिंसिपल प्लस SI 5 साल का है वो 1500 है। घटा दे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, SI 2 सालों के लिए आ जाएगा, 1500 में से 1380 गया तो 120, SI 1 साल का कितना हो जाएगा इसका आधा 60 और ओके। अगर हम SI 3 साल का देखें तो कितना 180 6×6 = 18, अगर इसमें से घटा दें तो यहाँ से हमें अमाउंट मिल जाएगी 1380 में से 180 गया तो 1200, ये क्या आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1200 ठीक है, रे और इंटरेस्ट 60, तो रेट आ जाएगी यहाँ से 0 × 0 = 6 × 12 = 5%। 43 में क्या दे रखा है हमें, 1% डिपॉजिट करता 504 सालों के लिए ठीक है, रेट पर होगी कुछ रेट वो नहीं दर के, और 603 सालों के लिए उसी रेट पर, तो कहता है उसे टोटल 190 रुपये मिलते हैं। तो सोल्व कर लिया हमने इसको, तो यहाँ से हमारा है 20R + 18R क्योंकि 0 0 काट दिया था ना 190, तो ये कितना हो गया 38R = 190, तो R की वैल्यू आ गई हमारी 5% ठीक है। 44 सेम 32th क्वेश्चन की तरह ही है ओके। 45th में क्या दे रखा है, एक सम को ना SI पर दिया जाता है 2 सालों के लिए ठीक है, हैड इवन लैंड अगर 3% ज़्यादा पे देता, तो ये भी क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, चलो कर लेते हैं कि भाई क्या दे रखा है 45 तो हमारा सेम टू सेम पीछे वाला ही है, चलो छोड़ो उसको क्या करना ठीक है। 46 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, नितिन ने ना कुछ पैसे बोरो किए हैं 6% पर ठीक है, भाई प्रिंसिपल था उसको उसने 6% पर उधार लिया है कितने सालों के लिए, फर्स्ट 3 years के लिए। फिर कहता है कि 9% पर, प्रिंसिपल तो सेम ही था ठीक है, फिर 9% पर अगले 5 सालों के लिए ठीक है, फिर 13% पर बियॉन्ड 8 years, 8 years मतलब 11 सालों के लिए, तो 8 साल तो हो चुके हैं, 8 साल हो चुके तो बचे हुए कितने 3 साल, ये 3 सालों के लिए ठीक है, और वैसे इंटरेस्ट है हमारा 8160 दे रखा है इसने, तो क्या हो जाएगी यहाँ से हमने सोल्व किया तो 100 सब में था ठीक है, ऊपर का ऐड किया ना तो ये आया हमारा 102 = 160, इसको सोल्व किया ना तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 8000 ओके, यही तो पूछा है उसने कितने बोरो किए थे। 47 में देखा इन वट टाइम बिल भी 8000 है ना, 8000 वो कितने टाइम में है ना, मतलब 8000 3% की रेट पर कितने टाइम में सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना वो 6000 पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6000 है 5% की रेट पर, नहीं 5 सालों में 4% की रेट पर, ये 5 है ये 4 है ये 100 है। तो कहता है कि हमने इनको इक्वेट किया, तो यहाँ से देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 00 इधर भी 00 इधर भी, 4 × 8 2 × 3 = 6, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 5 साल। 48 में दे दिया प्रकाश है ना, 1/20000 का ना 1/8% पे देता है ठीक है, और दूसरा है वो 4/3 पर देता है, तो हमने मान लिया एक्स को तो वो दे रहा है 8% पर, और 20000 - एक्स को
वो दे रहा है 4/3 में, तो 4/3 में 300 पर, और इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्यों, डिफरेंस ये है क्या कि इफ़ द टोटल इनकम है वो 800 है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो आगे 8x/100, क्योंकि टोटल इनकम बोला है, मल्टीप्लाई कर देती है आगे 800/3 -4x/300 = 800। इसको ओवरऑल आप सोल्व कर लोगे ना, तो वहाँ से हमें यहाँ एक्स की वैल्यू 8000 मिले, क्योंकि हमारे पास सिंपल है डाटा। 49 में राम ने डिपॉजिट किया एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक कंपनी में 12% एनुअल रेट पर, प्रिंसिपल पी था उसको 12% की रेट पर 4 सालों के लिए डिपॉजिट किया है, और अगर उसी सम को वो 5 सालों के लिए करता 15% रेट पर, तो कहता है कि जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना वो आता हमारा 1350। तो क्या है जो जो हम नॉर्मल हो रहा है वो कर लेते कैसे, देखो हमने ना इसको देखा तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 15 × 75 हो गया, ठीक है, जब 15% की रेट पर दिया गया 5 सालों के लिए, और 12 × 48 होगा जब 12% की रेट पर दिया गया 4 सालों के लिए, 1350 के बराबर है, ये तो सेम है, तो 75 − 78 = 27 पी, ये किसके बराबर 13 × 50 और 2 0 ये वाले, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई हमारी 5000। 49 के बाद बात आती है 50 की, तो क्या दे रखा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो डबल हो जाता है खुद का, डबल हो जाता है खुद का, ठीक, कितनी रेट पर, रेट दे रखे 6 × 24 = 25/2 की रेट पर, ठीक है, और टाइम इसने पूछा है, तो 1/T ये हमारा किसके बराबर आएगा भाई, 25 और 100 हटाएंगे तो 200, ठीक है, तो काट देते टी, मतलब 25T हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 300, तो टी कितना आ जाएगा 25 × 4 है यहाँ पे देखो 400, तो 400 / 25 आएगा, तो 25 × 100 × 4 = 16, मतलब 16 आ जाएगा, टाइम आ गया 16 साल, ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्मूला हो रहा है ना जो यूज, ये सही है कि n − 1/T × 100 रेट का होता है। 51 का क्या दे रखा है कि एक आदमी ए और बी है, बोरो करते 2000 × 3000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 सालों के लिए, बी 125 ज़्यादा देता है ए के कंपैरिजन में, तो देखो बी ने 3000 विड्रॉ किए थे 8% की रेट पर, तो 2.5 × 5/2 सालों के लिए, और ए ने 2000 विड्रॉ किए थे 8% रेट पर, ठीक है, कितने सालों के लिए 5/2 सालों, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 125 आ रहा है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व किया ना, तो हमें क्या मिला कि भाई जो बी और ए है ना उनका भी डिफरेंस 25 है, तो मतलब हमें मिला 75 × -50 ठीक है, ये 125 के, तो हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारी 5% आ, क्योंकि 25 डिफरेंस को 125 × 25 = 125। 52 में हमें क्या दे रखा है, एस आई ओ ने सम ऑफ मनी 8/25 होता है सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट, देखो प्रिंसिपल 25 है तो वहाँ पे ना एस आई 8 है, और जो रेट है ना उसका टाइम है ना आधा है, टाइम आधा है रेट का, ठीक है, तो क्या बन गया भाई, एस आई 8 था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट टाइम क्या है 8/2, तो कर दिया यहाँ से 25 × 100 4 × 8 = 64 = r², तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। 53 में क्या दे रखा है, एक सम है 7930 का, उसको 3 पार्ट में बांटा गया, 7930 को 3 पार्ट में बांटा जा रहा है, 5% सिंपल इंटरेस्ट है, ए बी को दिया जा रहा है 2, 3, 4, ठीक है, कितने पे 2, 3 और 4 सालों के लिए, और अमाउंट जो है ना वो उनकी इक्वल है ये बोला गया है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं भाई, अमाउंट होती क्या है, अमाउंट होती है हमारे प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो यही कर लेते हैं कि अमाउंट ए की हमने ए ही मान ली ए, ठीक है, और मतलब प्रिंसिपल है ना ए का वो ए मान लिया, ए मल्टीप्लाई 2 सालों के लिए है 5% रेट पर, ये इक्वल होगा बी के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 3 सालों के लिए 5% रेट पर, ये इक्वल होगा सी का, ठीक है, 5% रेट पर 4 सालों के, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया लिख लेना आप, ये हमें मिला ए प्लस ए अपॉन में 10 = b + 15b / 100 = c + c/5, एलसीएम लेके इनको नॉर्मल किया तो यहाँ से बन गया 11a/10 = 115b/100 = c/5।
अब रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, तो एक एक इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए की वैल्यू तो आ गई 10k/11, बी की वैल्यू भाई 115/100 कट रहे थे, 5 से काटने के बाद हमारी आ गई 20k/23, और सी की आ गई 5 6/k। क्या करना है, नीचे वालों का एलसीएम लेना और डिवाइड कर देना है, तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। ए बी सी एलसीएम लिया ना तो वो हमारा कितना आ रहा है, 138/11, ठीक है, मतलब जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा रेशियो आ रहा है इसका 1380 1320, आप ये निकाल सकते हो रेशियो 1265। ओके 65, तो और वैसे प्रॉफिट कितना, मतलब जो लोन था वो अमाउंट थी वो थी हमारी 7930 की भाई तीनों में इतना डिवाइड किया गया, और ये सम कितना आ रहा है 39/65 का। हमें किसका शेयर पूछा है इसने, ए का, तो ए को 1380 मिल रही, जब हम इसको काटेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 2760। 54 में क्या दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड है सम ऑफ मनी, मतलब 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 4 गुना हो जाता है, तो टाइम बताना है, तो वही है 3 3 नीचे आएगा 3 5, देखो 15/100 और ये हो गया 3/t, तो टी ऊपर चला गया मतलब 15t, और ये कितना होगा 300, तो टी नीचे मतलब 15 नीचे आएगा, 15 2 30 मतलब 20 साल, ठीक है। 55 में क्या दे रखा है, एक सम है टीवी का प्राइस है 16,000 का टीवी था, 4,000 तो उसी टाइम पे कर देगा, मतलब 12,000 बचे, और इन 12,000 पे 15% की 15 महीने के लिए लगाया गया, तो 15/12, और कितनी रेट से लगाया जा रहा है भाई 12% की रेट से, तो हमें SI मिल गया यहाँ पे 1800। तो कहते हैं उसे अब कितना पे करना पड़े भाई, 16,000 का टीवी था, 1800 इंटरेस्ट बन गया मतलब 17,800, 16,000 + 1800। 56 का क्या दे रखा है हमें, कि एक मिस्टर दुत्ता है वो डिजायर टू डिपॉजिट इज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 लाख पार्टली टू ए पोस्ट ऑफिस, मतलब भाई 3 लाख रुपए थे पोस्ट ऑफिस में आप दे कुछ लगा लो दे रहा है, और मतलब यहाँ पे एक्स दे रहा है, तो बैंक में वो कितने दे रहा है 3 लाख - x दे रहा है, ये दे रहा है वो 10% की रेट पे, ये दे रहा है वो 6% की रेट पे। अगर कहता है कि जो मंथली इनकम है ना वो 2,000 थी, मंथली इनकम थी, लेकिन ये तो ईयरली है, तो मंथली 2,000 है तो ईयरली कितनी हो जाएगी 24,000, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमें, हम कह सकते हैं ना कि एक्स मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 1 ईयर प्लस 3 लाख है मान लो, ठीक है, माइनस एक्स 6/100 ये आ गया हमारा 24,000, क्योंकि 2,000 एक महीने का था तो 12 महीने का 24, इसको हमने सोल्व किया तो एक्स बाई 10 + 18,000 माइनस 6x/100 ये इक्वल हो गया 24,000 के, यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1.5 लाख। अब बोला है कि दोनों अमाउंट के बीच में जो पोस्ट ऑफिस में थी बैंक में थी उनका डिफरेंस तो 0 ही होगा, डेढ़ तो 3 लाख तो पूरी थी, तो एक 1.5 लाख आ गया। 57 में क्या दे रखा है, एक बॉय है वो 12 साल का था जब ना उसके पेरेंट्स से छोड़कर चले गए, तो 1 लाख रुपए थे जो ट्रस्ट के अंदर छोड़े गए, ठीक है, तो 1 लाख रुपए थे, ठीक है, ट्रस्ट में छोड़े गए 6% की रेट पर। अब बच्चा 18 साल का हो जाए तब कितने मिलेंगे, मतलब 12 से 6 कितने टाइम हो गया 6 साल, तो कितने अमाउंट बनती है इंटरेस्ट खैचिंग 36,000। अब इसमें बोला कि एक बच्चे को है ना हर महीने 2500 रुपये नहीं हर साल, ठीक है, 2500 दिए जाते हैं, तो 6 साल में उसे कितने रुपए मिल जाएंगे, 2500 × 6 = 25,000 और ना जो ट्रस्ट है उसका 500 किराया मतलब खर्चा भी आता है, तो 6 साल में कितना आ जाएगा भाई 6 × 3,000, तो कितना खर्चा है 15,000 और 3,000 18,000 को 36,000 में घटा दिया तो बचे हुए कितने 18,000 के, और 1 लाख पहले था तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो 1,00,000 + 18,000 मतलब 1,18,000 रुपये मिल जाएंगे, खर्चा था ना वो सारा घटाने के बाद की अमाउंट हमने बता दी कि उसे इतनी मिलेगी। आगे दे दिया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ ए बैंक बींग डिक्रीज फ्रॉम, पहले 5% था उससे ना वो 3.5% हो गया, ठीक है, तो कहता है कि जो एनुअल इनकम परसेंट की वो भी 105 से घट गई, भाई पहले 5% की रेट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था ना अब वो 3.5 मतलब 7/2 और परसेंटेज का 100 = 105 उससे डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से सोल्व किया ना तो प्रिंसिपल 5/100 - 7/200 = 105, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 7,000 आ जाएगा। 59th का क्या दे रखा है, तुषार ने ना 12,000 रुपये बोरो किए 15% पर एनम पर
एक कैलेंडर से 13 जनवरी 1987 को, देखो यहाँ पे कंसेप्ट है डेज की, 13 जनवरी से हमें 8 जून तक टाइम गिनना है, तो 13 जनवरी के बाद कितने दिन बच गए भाई, 31 महीने, मतलब 31 महीने, 31वां महीना होता है जनवरी का, तो 13 जाएंगे तो 27 और एक 28 दिन जनवरी के हो गए, 28 दिन फरवरी के हो गए, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, और बचे 8 जून के, तो ये जोड़े ना तो हमने आया 156 डेज आ गए। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। और हमें तो ना कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट की, 12,000 जो रुपए लिए हैं उस पर 15% की रेट से कितने 156 दिन का, और एक साल में 365 दिन होते, 365 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, SI आ गया। अब कहता है अमाउंट पेड बाय द तुषार टू मनी लेंडर टू क्लियर हिज डेट, तो भाई जो अमाउंट पे करेगा वो क्या होगी, SI प्लस प्रिंसिपल, तो वही है कि SI आएगा यहाँ से हमारा 769.31 और 12,000 में जोड़ देंगे, तो ये आ गया 12,769, ये क्या आ गई उसकी अमाउंट। क्या किया हमने, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे ना डेज का कंसेप्ट था, तो डेज के लिए ना कैलकुलेट करेंगे, और एक साल में 365 दिन होते हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, 60 में दे रखा है इक्वल सम ऑफ मनी वाज लेंट एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई ने ना इक्वल अमाउंट दिया था, लेंट किया गया था, एक को 4 साल के लिए, एक को 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो भी, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम इज 150, तो देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, एक 7.5 के लिए, एक को 4 सालों के लिए दिया, दूसरा प्रिंसिपल वही था, रेट वही था, और इसको दिया गया 5 सालों के लिए, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो 150 आ रहा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास सिंपल ही है भाई, तो वहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 2,000। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 60 SI के, तो यहाँ पे भी ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे ना मैं बस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है स्टार्टिंग का बताती हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी होती है क्योंकि स्पेस कम होता है। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।